आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम NCERT की कक्षा 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.1 के किए हैं। आप ने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्रश्नावली 1.1 की, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं, उनको देख लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और हल करते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमें क्या दर्शाना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करना है इस सवाल में, और धनात्मक पूर्णांक का घन, हमें धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना है। हमें ध्यान रखना है कि पिछले, मतलब प्रश्न नंबर 4 में हमने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पढ़ा था, इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में धनात्मक पूर्णांक का हमें घन पढ़ना पड़ रहा है। तो विशेष करके हमें ध्यान रखना है कि हमें सवाल को किस तरह हल करना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस सवाल में, यहाँ पर हम आंसर डालते हैं, इस सवाल में हमें मानना पड़ेगा, माना धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको हमने ए मान लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तथा देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने ए मान लिया है, और उसके बाद तथा भागफल 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 हमने क्यू मान लिया है, तो भागफल क्यू कोमा शेष फल आर, और शेष फल आर और भाजक 3 है, तब एल्गोरिथम, या हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इस सवाल को, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है। आप क्या करेंगे, सीधा यहां से लिख लेते हैं, हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक ए है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें धनात्मक पूर्णांक ए लिख लिया, जिसका भागफल क्यू शेषफल आर है और भाजक 3 है, तो भाजक मतलब बी का मान 3 हो गया, भागफल हमारा क्यू है ही और शेषफल हमारा आर है ही, तो यूक्लिड विभाजन के हिसाब से ए बराबर 3q+r, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। जिस तरह हमने प्रश्न नंबर 4 में समीकरण 1 मानी थी, उसी तरह से प्रश्न नंबर 5 में भी हमें समीकरण 1 माननी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, अब ये हमारी समीकरण 1 बन गई है, इसमें हमें क्या करने हैं, तब R के मतलब शेषफल के, मतलब R के संभव मान, R के संभव मान क्या हो सकते हैं,
जीरो, एक और दो हो सकते हैं, तब आर के संभव मान जीरो कोमा एक कोमा दो हैं। तब आर के संभव मान जीरो कोमा एक कोमा दो हैं। अब हम क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट डाल देंगे। अब यहां पर यह हमें ध्यान रखना है कि हमने यहां पर तीन क्यों माना है। तो तीन इसलिए माना है कि अगर मैं तीन का घन कर दूं तो वो तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस हो जाएगा। अगर मैं तीन से कम करता तो क्या होता, दो का घन करता हूं मैं तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ। अब यह आठ जो है, ये जो आठ बनेगा जिसका मैं घन कर रहा हूं दो का, वो तीन के घन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा शेषफल जो है वो भाजक से कम होना चाहिए। इसलिए भाजक से कम यहां पर दो तक हमें रखना पड़ेगा आर के संभव मान। स्थिति फर्स्ट देखिए, समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने तीन क्यों माना है, इस आर के मान से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में आर बराबर, स्थिति फर्स्ट में आर बराबर हमें क्या रखना है, जीरो। समीकरण एक में रखने पर हमें आर बराबर जीरो समीकरण एक में रखनी है। तो समीकरण एक है हमारी ए बराबर थ्री क्यू प्लस आर, ए ऐसे ही रहेगा, थ्री क्यू इसी तरह रहेगा, प्लस आर का मान हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस जीरो, सॉरी जीरो जोड़ेंगे थ्री क्यू में, थ्री क्यू ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, पिछले सवाल में वर्ग था इसलिए हमने क्या लिखा था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखा था, लेकिन इस सवाल प्रश्न नंबर फाइव में सवाल में घन दिया है इसलिए हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए की घात तीन बराबर दूसरे जो हमारा पक्ष है उसकी घात तीन, तो थ्री क्यू की घात तीन। अब इसका घन खोलेंगे तो एक की घात थ्री इसी तरह रहेगा, मगर तीन की घात तीन है तो इसका मतलब ये हो गया कि तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस और क्यू की घात तीन। अब इसको सत्ताईस को हम लिखेंगे, एक की घात थ्री इसी तरह रहेगा, मगर सत्ताईस, सत्ताईस को हम लिख सकते हैं नौ गुणा तीन और ये क्यू की घात थ्री, ऐसे ही सत्ताईस को लिख सकते हैं नौ गुणा तीन, नौ तिया सत्ताईस होता और क्यू की घात थ्री, ऐसे ही तरह हम रहने देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ए की घात थ्री बराबर नौ। अब इसको हम क्या करेंगे, एम मान लेंगे, तो ए की घात थ्री बराबर नाइन एम, और आगे लिखेंगे यहां थ्री क्यू की घात थ्री बराबर एम, यहां थ्री क्यू की घात थ्री बराबर एम, तो इसलिए क्या हो गया यहां पर ए की घात थ्री बराबर नाइन एम। अब यहां पर हमें पहला पूर्णांक का अगर हमने घन किया तो वो नाइन एम के बराबर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट हमने ये किया तो नाइन एम आया, किसी पूर्णांक का घन किया हमने तो उसका नाइन एम आया। अब हम स्थिति सेकेंड करेंगे तो आर बराबर हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे, लिखेंगे यहां पर स्थिति सेकेंड में आर बराबर वन समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारी, हम वही समीकरण देखिए यहां पर ये समीकरण है ए बराबर थ्री क्यू प्लस आर, तो वही लिखेंगे ए बराबर थ्री क्यू प्लस आर, ए बराबर थ्री क्यू ऐसे ही रहेगा, प्लस आर का मान अब हमें क्या रखना है, वन रखना है, तब ए बराबर थ्री क्यू प्लस वन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का
घन करने पर, अब हम इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा एक की घात तीन बराबर थ्री क्यू प्लस वन की घात तीन। अब हमें क्या काम करना है, इनके घन को खोलना है। ये एक की घात थ्री ऐसे ही रहेगा और इसके घन को हम खोलते हैं, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, तो थ्री क्यू प्लस वन मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब खोलना हमें। जो हमने सर्वप्रथम हमने जो वीडियो बनाने चालू की थी तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूले आपको याद कराए थे, समझाए थे और लिखवाए भी थे, तो इसलिए सर्वप्रथम पहली वीडियो हमारी जरूर देखें। चलिए हम एक प्लस बी का होल क्यूब के अनुसार इसको खोलते हैं, थ्री क्यू प्लस वन के होल क्यूब को, तो तीन की थ्री क्यूब की घात थ्री लगाएंगे क्योंकि ए की क्यूब होता है, प्लस बी की क्यूब, बी की जगह वन है, वन की घात तीन, प्लस इन दोनों पदों की गुणा का तिगुना, तो गुणा करेंगे थ्री क्यू गुणा वन और तिगुना करने के लिए तीन से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी। चलिए आगे इसको हल करते हैं, ए की क्यूब ऐसे ही थ्री क्यू की घात तीन को हम खोलेंगे, तो अभी हमने थ्री क्यू की घात तीन को हमने खोला था तो ये आया था सत्ताईस क्यू की घात थ्री, वही हम लिखेंगे सत्ताईस क्यू की घात थ्री प्लस वन की घात थ्री, वन ही रहता है, प्लस तीन क्यू की वन में गुणा करेंगे थ्री क्यू ही रहेगा और तीन की गुणा तीन में करेंगे तीन त्या नौ क्यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्यूब क्यू वाले पार्ट्स को एक जगह करके लिखेंगे, पास पास लिखेंगे, कहने का मकसद ये है, तो सत्ताईस क्यू की घात थ्री प्लस नाइन क्यू प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारा ए की घात थ्री ऐसे रहने देंगे, यहां से हमारा थ्री कॉमन हो जाएगा, थ्री कॉमन सॉरी नौ कॉमन हो जाएगा, तो यहां से हमारा बचेगा अंदर नौ तिया तीन बार कटेगा सत्ताईस और ये क्यू की घात थ्री आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस नौ बाहर जा चुका है क्यू बचेगा और प्लस ये वन आपका ऐसे का ऐसे ही। अब इतने पार्ट को आपको एम मान लेना है, तो ए की घात थ्री बराबर नाइन एम प्लस वन और यहां पर लिखना है, यहां थ्री क्यू की घात थ्री प्लस क्यू बराबर एम, इस तरह से आपको लिख देना है। तो कहने का मकसद यह है कि अभी जो बात कही गई थी कि जो धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m और 9m प्लस 1 के रूप का हो चुका है। देखिए यहां पर देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन एक ही क्यूब हो गया और वो किसके 9m के बराबर हो गया। यहां पर देखिए दूसरी स्थिति में हमने r बराबर 1 रखने के बाद धनात्मक पूर्णांक का घन की देखिए यहां पर घन है वो 9m प्लस 1 के रूप का भी है। तो यहां तक आप कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्थिति थर्ड करेंगे जिसमें r का मान हमें दो रखना है, जीरो और एक को हम स्थिति फर्स्ट और सेकंड में रख चुके हैं, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको साफ करेंगे और फिर लिखना चालू करेंगे स्थिति थर्ड को। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्थिति में हमारा ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m प्लस 1 के रूप का हो चुका है। अब हम स्थिति थर्ड लेंगे, पुनः स्थिति थर्ड में r बराबर हमने स्थिति सेकेंड में 1 लिया था तो यहां पर हम 2 लेंगे क्योंकि r के संभव मान 0 वन और टू है, जीरो आपने फर्स्ट स्थिति में ले लिया है और वन हमने सेकंड स्थिति में लिया है और थर्ड स्थिति में हमें क्या लेना है, टू लेना है। चलिए थर्ड स्थिति थर्ड में आर बराबर टू, समीकरण एक में रखने पर, चलिए समीकरण एक में हम आर बराबर टू रखेंगे, समीकरण एक थी हमारी ए बराबर थ्री क्यू प्लस आर,
ए बराबर थ्री क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस आर का मान दो रखेंगे। हमने आर का मान फर्स्ट स्थिति में जीरो रखा था, सेकंड स्थिति में वन रखा था और थर्ड स्थिति में हमने आर का मान दो रखा है। अब क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहां पर किया था सेकंड में और फर्स्ट स्थिति में किया था, क्योंकि हमें क्या करना दिखाना है, घन दिखाना है, तो वही काम करेंगे। पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्ष का घन करेंगे तो एक की घात तीन हो जाएगा और इधर हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू की घात तीन। अब एक की घात थ्री, इसको हम एक की घात थ्री इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये थ्री क्यू जो है वो ए का काम कर रहा है और दो जो है ये बी का काम कर रहा है। जिस तरह हमने स्थिति सेकेंड में काम किया था, घन खोला था, थ्री क्यू प्लस वन का घन खोला था, इसी तरह हमें स्थिति थर्ड में थ्री क्यू प्लस टू का घन खोलना है। तो ये थ्री क्यू जो है हमारा ए का काम कर रहा है और टू जो है वो बी का काम कर रहा है। वही काम करेंगे, थ्री क्यू का मतलब ए की घात थ्री प्लस बी की घात थ्री, तो बी की जगह क्या है टू है, तो टू की घात थ्री प्लस इन दोनों पदों की गुणा का तिगुना, गुणा करेंगे थ्री क्यू की टू में गुणा करेंगे दो तिया छः क्यू और इनका क्या करेंगे तिगुना। तो तिगुना करने के लिए चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो पहले लिख लेते हैं तीन गुणा में लगा देंगे तिगुना करने के लिए और यहाँ लिख देंगे एक की जगह थ्री क्यू और प्लस ये आपका सॉरी गुणा का चिन्ह आएगा इन दोनों पदों की गुणा का तिगुना। तो ये इस तरह से हो जाता है, एक की घात थ्री आपका ऐसे ही थ्री क्यू की घात थ्री खोलेंगे, हमने पहले भी खोला है तो ये आ जाएगा सत्ताईस क्यू की घात थ्री, क्योंकि तीन तेरह नौ तिया सत्ताईस और क्यू की घात थ्री ऐसे ही रहेगा। दो की घात थ्री करेंगे तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ हो जाएगा, प्लस इसका हम गुणा कर लेंगे तीन दुनी छः क्यू और छः क्यू की तीन में गुणा करेंगे तो छः तिया अठारह क्यू। अब हम क्या करेंगे, क्यू क्यू वाले पार्ट एक तरफ कर लेंगे और जो हमारे जिसके पास में क्यू नहीं है उसको एक साइड में लगा देंगे। तो ए की घात थ्री बराबर सत्ताईस क्यू की घात थ्री प्लस अट्ठारह क्यू प्लस आठ। यहाँ पर हमारा कोई ना कोई चीज कॉमन हो रही है जो हमें करनी है, हर जगह हमने की है, यहाँ पर हम नाइन कॉमन कर लेंगे तो नौ से सत्ताईस कटेगा तीन बार, तो ये हो जाएगा थ्री क्यू की घात थ्री ऐसे ही प्लस नौ से अठारह कटेगा दो बार, ये क्यू आपका ऐसे का ऐसे ही प्लस आठ ये ऐसे का ऐसे ही। इतने पार्ट को आपको क्या मान लेना है, एम मान लेना है। तो यहां पर लिखेंगे ए की घात थ्री बराबर नाइन एम प्लस एट, इसकी जगह एम लिखा और ये प्लस एट, यहां पर लिखेंगे यहां थ्री क्यू की घात थ्री प्लस टू क्यू बराबर m, इतना हम यहां पर लिख देंगे। तो इससे यह बात पता चलती है कि धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन देखें तो वो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए यहां पर देखिए किसी पूर्णांक मतलब एक की घात 3 उसका घन है वो 9m के बराबर है, यहां पर देखिए घन 9m प्लस 1 के रूप का और यहां पर देखिए घन 9m प्लस 8 के रूप का है। तो हम यहां पर यही लिखेंगे, आते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, आते हैं किसी छोड़िए, आते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कोमा 9m प्लस 1 कोमा 9m प्लस 8 के रूप का है। इस तरह से ही हमारे सवाल कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये जो धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बिल्कुल होता है, धनात्मक पूर्णांक का हमने घन दिखाया आपको कि यहाँ पर देखिए घन जो है धनात्मक पूर्णांक का घन है 9m प्लस 8 के रूप का है, यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन है 9m प्लस 1 के रूप का है, यहाँ पर देखिए
धनात्मक पूर्णांक का घन है जो 9m के रूप का है। इसलिए यह प्रूव होता है कि यह सत्य है। इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के साथ साथ प्रश्नावली 1.1 भी पूर्ण हो चुकी है। अगर कोई भी सवाल या प्रश्न प्रश्नावली 1.1 का आपके समझ में नहीं आता है तो आप अपने जो वीडियो हैं, जो पीछे वीडियो हमने अपलोड की हैं, तो उसको आप दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए और अपनी राय दीजिए।